खबर गाजीपुर के जमाने से हिजामों के विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने किया बड़े शहर देत्रा वीर व बलुआ घाट के बोल्डर स्टेपिंग कार्य का निरीक्षण। इस दौरान सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बड़े शहर देत्रवीर के पास कटान को रोकने के लिए किए गए बोल्डर स्टेपिंग कार्य का जायजा लेकर बोल्डर साइज व स्टेपिंग की दूरी आदि की जानकारी ली। वहीं जमदग्नि पशु रामघाट के कंकड़वा घाट तक कटान रोकने के लिए 300 मीटर तक बोल्डर स्टेपिंग का कार्य होना था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा 170 मीटर तक कार्य ही पूरा किया गया। अधूरे कार्य के बारे में सीडीओ ने सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी के अधिशासी अभियंता विनय कुमार जैन से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 130 मीटर कार्य धन के अभाव में नहीं हो सका। इस पर उन्होंने शासन को पत्र लिखकर धन मांगने की बात कही। जमाने से आजाद शाह की रिपोर्ट। सर, आज किस प्रकार का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है? आज मेरे द्वारा सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी के द्वारा जो कार्य यहाँ पर कराए गए हैं जमानिया क्षेत्र में, उनका निरीक्षण किया गया। उसमें महर्षि जमदग्नि आश्रम घाट जो है वहाँ से लेकर और ककरहवा घाट तक जो इन्होंने बोल्डर पिचिंग के माध्यम से बाढ़ सुरक्षारोधी कार्य किए हैं ये, और प्लस देत्रावीर बाबा के स्थान पर भी जो इन्होंने पर्यटन विभाग के द्वारा जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, वो दोनों कार्यों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। कार्य लगभग संतोषजनक है। कुछ चीज़ें मेरे संज्ञान में जो आई हैं मैंने इनको बताया है, बोल्डर की साइज और इन सब चीज़ों को लेकर। उसके अलावा यहाँ घाट के किनारे जो सुरक्षारोधी कार्य कराए जाने हैं उसमें कुछ मिट्टी का कार्य अभी अवशेष है और कुछ धनराशि की अनुपलब्धता भी है, तो उसके कारण हमने इनको जो कार्य कराए जा सकते हैं वो कराने के लिए निर्देश दिया है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।